hello friends welcome to learn maths please press the subscribe button to subscribe my channel and press the bell icon to get the latest video update let's do question number first of exercise 15d that is the properties of triangle question number first is find the length of the hypotenuse of a right triangle friends it is specified that this is right triangle right triangle matlab 90 degree angle The, from, हमें क्या निकालनी है हापोर्टन्यूज निकालनी है द अदर टू साइड ऑफ मेजर नाइन सेंटीमीटर एंड टूवल्व सेंटीमीटर ये स्पेसिफाइड नहीं है कि हमारा बेस ट्वेल्व है या पर पेंडिकुलर टे तो हम क्या करेंगे हम परपेंडिकुलर नाइन सेंटीमीटर ले लेंगे एंड बेस हम टूवेल्व सेंटीमीटर ले लेंगे तो लेट द बेस बी ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड द

प्लस बी स्क्वायर राइट फ्रेंड्स अब हमें पी का मतलब है परपेंडिकुलर, बी का मतलब है बेस अब हमें एच का मतलब है हाई जो निकालना है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे पी का स्क्वायर तो पी था हमारा नाइन तो नाइन का स्क्वायर प्लस बी था हमारा ट्वेल्व टू ट्वेल्व का स्क्वायर तो ये कितना आ गया नाइन नाइन वन प्लस ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व इज वन फोर्टी फोर इसका मतलब इसके स्क्वायर का मतलब है ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व नाइन का स्क्वायर का मतलब है नाइन इनटू नाइन राइट फ्रेंड्स नाइन नाइन जस 81, 12 12 जस 144 ऐड किया तो कितना आया 52 एंड कैरी वन अब ये ह स्क्वायर की वैल्यू आई तो ह की वैल्यू निकालनी थी हमें कैसे आएगा ये टू इधर है तो इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है 225 या हम इसको टू ट्वेंटी फाइव की पावर वन अपॉन टू भी कह सकते हैं यह ये यहाँ ऊपर था न्यूमरेटर में नीचे आके डिनोमिनेटर में आ गया राइट right फ्रेंड्स तो एच निकालने के लिए स्क्वायर रूट हमने लास्ट मतलब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम पहले टू ट्वेंटी फाइव के फैक्टर्स निकालेंगे फाइव फोर जो ट्वेंटी फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव फाइव नाइन जब फोर्टी फाइव हो सके तो छोटे छोटे नंबर्स से काटें जिससे कि आपके पेयर्स बन सके स्क्वायर रूट में हम क्या बनाते हैं पेयर्स बनाते हैं और एक एक बार बाहर लिख लेते हैं फाइव और थ्री इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज फिफ्टीन सेंटीमीटर इज द आंसर लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ एक्सरसाइज फिफ्टीन डी दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज द हाई पोर्टिन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल इज फिगर बना के समझा रही हूँ राइट ट्राइंगल क्या रखा है इसलिए राइट right ट्राइंगल बनाया है इसका हाई यूज दे रखा है ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर ई वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स इसमें हम इसको भी मान सकते हैं इसको भी मान सकते हैं मैं बेस मान रही हूँ टेन सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड ये वाली हमें लेंथ निकालनी कैसे निकालेंगे देखिए हमें बेस दे रखा है मान लीजिए टेन सेंटीमीटर और हाई पॉटन्यूज दे रखे है हमें 26 सेंटीमीटर हम हमें परपेंडिकुलर पर निकालना है तो हाई पॉटन्यूज़ का वही फॉर्मूला लगाएंगे जो लास्ट वीडियो में लगाया है हमने दैट इज एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच हमें दे रखा है 26 का स्क्वायर पी हमें दे नहीं रखा बी हमें दे रखा है टेन का स्क्वायर अब हमें ट्वेंटी सिक्स का स्क्वायर हमें पता है ट्वेंटी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी थर्टी टू ज ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन इंटू टू सिक्स ज ट्वेल्व कैरी वन टू टू ज फोर एंड फाइव तो ये कितना आ गया सिक्स सेवन सिक्स तो ये आ गया सिक्स सेवेंटी सिक्स इक्वल्स टू पी स्क्वायर

टू एट जिक्सटीन टू एट जिक्सटीन अगेन टू से टू वन से टू टू फोर जेड टू फोर अब हमें पता है वन फोर्टी फोर का स्क्वायर या तो छोटे छोटे नंबर से निकाल लीजिए या हमें डायरेक्ट पता है ट्वेल्व का स्क्वायर जिसका स्क्वायर है वो लिख दिया ट्वेल्व अब देखिए दो दो के पेयर्स बन गए और एक बार बाहर लिख दिया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ट्वेल्व टू इन टू ट्वेल्व दैट इज ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर द आंसर Thank you. If you understand the step by step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.